कि अंजू पाकिस्तान जाकर अब फातिमा बन गई है। कथित तौर पर अंजू ने अपने पाकिस्तानी दोस्त नसरुल्लाह से निकाह कर लिया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक नसरुल्लाह से निकाह के लिए अंजू ने अपना धर्म बदल लिया है। पाकिस्तानी मीडिया दोनों के कोर्ट में निकाह करने का दावा कर रहा है। वहीं अंजू के अपने पाकिस्तानी शौहर के साथ कई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे हैं। एक वीडियो में वह पर्यटन स्थलों की सैर करती नजर आ रही है। इस दौरान अंजू ने इस्लामिक लिबास पहना हुआ है। अब तक अंजू ईसाई धर्म को मानती थी और उसका पूरा नाम अंजू थॉमस था, लेकिन अब पाकिस्तान में अंजू को नया नाम और नई पहचान मिली है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक अंजू ने निकाहनामा के शपथ पत्र में लिखा है कि वो अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म को अपना रही है और नसरुल्लाह के साथ निकाह करके खुश है। उस पर किसी तरह का दबाव नहीं है। निकाह के लिए कोर्ट में जाते समय भी हिजाब पहने हुए उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह दूसरी बार है जब अंजू ने अपना धर्म बदला है। आपको बता दें कि अंजू और उसका परिवार पहले हिंदू था, लेकिन एक घटना ऐसी हुई जिसके बाद गया प्रसाद ने परिवार समेत अपना धर्म बदल लिया। दरअसल 2008 में गया प्रसाद परिवार सहित नोएडा में रहने के लिए दिल्ली से आए थे। वहां पर उन्होंने चौड़ा रघुनाथपुर गांव में एक मकान किराए पर लिया और परिवार के साथ रहने लगे। घर के सामने एक दुकान किराए पर लेकर कपड़ों की सिलाई का काम शुरू किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नोएडा आने के कुछ समय बाद ही अंजू के पिता एक बार बहुत बीमार हो गए। वो लंबे समय तक काफी बीमार रहे। इसी दौरान वे नोएडा सेक्टर 34 और खोड़ा स्थित चर्च के कुछ पादरियों के संपर्क में आए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पादरियों ने ही उनका इलाज किया और वे ठीक हो गए, जिसके बाद गया प्रसाद और उनका परिवार ईसाई धर्म से प्रभावित हो गया और उन्होंने इस धर्म को अपना लिया। अंजू के पिता गया प्रसाद की उम्र अभी 62 साल है। वे ग्वालियर से करीब 30 किलोमीटर दूर टेकनपुर का बौना गांव में रहते हैं। अंजू के पिता इस तरह अंजू के पाकिस्तान चले जाने पर बेहद नाराज हैं और अपनी बेटी से यह जानना चाहते हैं कि वे अपने बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान क्यों चली गई। सुनिए अंजू के पिता का दर्द किस तरह छलक रहा है। अंतिम बात कब? अगर उसको मेरे लिए प्यार है थोड़ा बहुत भी, उसको ये मालूम है मैं किसका खून हूँ, मेरी शुरुआत कहाँ से है, किसकी परवरिश हूँ मैं, अगर उसे थोड़ा भी 10-1% भी अगर बाप का ख्याल आया है मन में, तो फोन करने के लिए मैंने बंद नहीं कर रखा है। फोन चालू, वो कभी भी फोन कर सकती है। मैं कभी अपना नेट बंद नहीं करता हूँ, कभी अपना मोबाइल बंद नहीं करता हूँ। आप बोल रहे कि आप ना, मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि मतलब कॉन्टेक्ट ना करूँ। फोन आएगा मैं अवश्य पूछता हूँ, भाई कौन हो आप? आप थोड़ा नाराज किसी भी? कोई मेरे अंदर कुछ गलतियां नहीं है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं मुझे डरने की आवश्यकता है। आप थोड़ा नाराज भी हैं, आप बोल रहे कि अब मेरी लाश को लांग कर गई है, तो हो सकता है कि वो डरी हुई हो, आपसे बात ना कर पा रही हो डर के कारण, कि आप नाराज हो बहुत ज्यादा। नहीं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि डर का मतलब है कि तुम जो बात कर ले, बहनों से बात कर ले, पति से बात कर ले, किसी से भी बात कर ले। नहीं, मैं एक बार उससे ये बात करना चाहता हूँ, तूने ऐसा काम मतलब क्यों किया, बस सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं मैं। मैंने क्या तेरे को क्या गलत पैसा कमा के मैंने बड़ा किया क्या तेरे को? ईमानदारी से आपने परवरिश की, ईमानदारी से पैसा कमाया और उसी ईमानदारी की पैसे से परवरिश की। किसी का ठगाई का या किसी का मन को दुखा के मैंने तेरे को दूध नहीं पिलाया माने, हमने भी अपने खून से सींचा तुझे, तो क्या मेरे खून में कमी रह गई थी क्या मेरी परवरिश में बेटे, जो तूने ऐसा काम किया। अंजू के पिता की बातों को सुनकर साफ जाहिर है कि वे अपनी बेटी के इस कदम से बेहद दुखी और शर्मिंदा हैं। अंजू के निकाह की बात सामने आते ही उनकी तबीयत भी बिगड़ गई। बीपी बढ़ने और सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद डॉक्टर ने उन्हें एहतियात बरतने की हिदायत दी है। लेकिन गया प्रसाद एक बार अपनी बेटी से बात करना चाहते हैं। बेटी को भेजे अपने मैसेज में उन्होंने कहा है, मुझे तुमसे बात करनी है। हालांकि पिता के इस मैसेज का अंजू ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, जिसका उसके पिता को बेसब्री से इंतजार है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।